जय जगन्नाथ। मो दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्चे। महापुरुषंकर 600 वर्ष तलर तालपत्र पोथीर लेखा मालिका को आलोचना करिबा। मालिका रे जे कथा को आमे आलोचना करुच्छु गोटे पर गोटे सत्य हो चली जहाँ 600 वर्ष तले अच्युत महापुरुष कलम करते शिष्य रामदास को शुणाई केवल माध्यम मात्र कर आम माना आगत भविष्य कथा को कही महापुरुष आज कहते पापर पीढ़ी मनीषर बोझे हो सब पाप कले आँ से पाप एमती समय आसव मनीष निरीह जीव को हत्या कर यह एक अत्यधिक परिमाण रे पाप आउ जो पाप को मनीष कर चलो आँ महापुरुष कहते कले जिहा लाल सारे पड़ी जिहा लाल सारे पड़ी खाइब मांस जे निरे पड़िल जाई फूल पूर्ण होइब पापर पेड़ी पूर्ण होइब पापर पेड़ी। महापुरुष कहले जितेबले मनीष निरीह जीव गुड़िक हत्या करी मांस गुड़िक पोड़ी खाइब बाघर रे मुख्य आइटम रे परिणत हेलानी तेणुक आपण मैंने देखते महापुरुष 600 वर्ष तले लिखी ता गोटे पर गोटे सत्य हो आदिम मनुष्य जितेबले अग्निर प्रथम कर व्यवहार जान ला से मांस पोड़ कर खाइला आगे आनंद लगे एवं खाद्यर अभाव ना आगे मांस खाई मनीष बंचुला आ मनीष मांस मनीष खाऊला एमती भी समय था कि खाद्यर जो अभाव ना से मनीष निरीह जीव गुड़िक हत्या कर खाऊ आए बड़ आश्चर्य कथा मनीष मृत शब को छुईदे शरीर हो जाए अपवित्र मृत शब को छुईदे शरीर हो जाए अपवित्र आउ निरीह प्राणी को मारिक खाए ये विधान बड़ विचित्र प्रकृत मृत को जदि आप छुई दिंती पैता बदला किंतु निरीह जीव गुड़ाक मारिकी ताकु ता मांस को भक्षण करती ये विधान तो सतरे विचित्र मनीष कोर्टे गीता छुई मीछ खाए आ मद बोतल धोले सत सब आपे आपे बाहर जाए थे छाती में हाथ दे पचारत केतेटा जीवन आप मारि सारापर दे पारे उत्तर आसब ना आम क्या बंचे पारानी जदि बंचे पारानी आ मार कहीं अरुण स्तंभ गरुड़ स्तंभ आपड़ जानते श्री जगन्नाथ पाखे गले अरुण हाथ न मारे मन खुशी हुए ना गरुड़ को न कुंडेले मन में शांति ना अरुण गोटे पक्षी गरुड़ भी गोटे पक्षी ये सूचना जगन्नाथ संस्कृति दिंती चारि दुआरे चारोटी पशु जगन्नाथ संस्कृति जीवरे जार दया ना उद्धव चांडाल से प्रकृत में पक्षी प्रति भल पाइबा और पशु प्रति भल पाइबा जगन्नाथ संस्कृति शिखाए पशुपक्षी प्रति भल पाइबा आपटे पक्षी को प्रेसर में सीझेबा आपटे आम भी प्रेसर में सीझा थे चिंता करूँ ना निरीह जीवा आम कौन क्षति करें कहा जाए वो खाना हम छोड़ देते हैं जिस खाने में एक बाल है वो अंडे हम क्यों खाते हैं जिस अंडे में एक माँ का लाल है। प्रकृत में आम कहीं से आमिष गुड़िक भक्षण करवा जो आमिष गुड़िक प्रकृत निरीह जीवर रक्त रंजित मांस आम कहीं भक्षण करवा जहाँ रोग कारक पुणी मन भितर अशांति सृष्टि करे आउ जहाँ काम क्रोध को बढ़ेबा साहय करे आउ जहाँ मन भितर हिंसा भाव सृष्टि करे कहा जाए जमी खाइब अन्न सेमती हे मन आमती पीब पा सेमती हे बाणी आम ये पा पीवा आउ बाणीर शुद्धता भरी रहा आउ कहा जाए तेणु मांस भक्षण कले से भाव में मनोवृत्तिर पर जाए जमी अन्न खाइबा सेमित मन होना जड़े साधु जनक घर को गले आउ बड़ आनंद प्रसाद कले निष्ठापुर साधु ये समय लोकटी जोबले से स्थान छाड़ी जाइए जितेक थाली थी धोईदे साधु कण कले से कंसार थाली को आंसा बासन को सब निजर उत्तरी भितर घोड़े लुचे निज ब्याग्रे पूरे चलने को लगे कि बाट गलापर गृहस्थ लोकटी कह साधु बोधे न कही सबुतिक धरी पलि गले बासन कुसन पाखे जाए पहुँचीगला कह गुरुजी ये कि कथा आपत तो कही ना साधु मन भितर भारी लज्जित है पचारे प्रश्न कहले अच्छा तुम्हें जो मत भोजन देल अच्छा कि भोजन से कहतु सेत लोकटी कहला कहला आज्ञा जो चोरी कर आनी चाउल आज प्रसाद होता साधुटी विचार कले प्रकृत चोरी कर अणा जा चाउल भोजन कर सारापर मनोवृत्ति तो चोर ही हम तेणुक आज देखते जमी अन्न खाइबा सेमती साधु लज्जित तो हेले आउ ये अन्नर करामती तेणु आपण मैंने विचार करेंगे आउ कौन पाप करेंगे मनीष स्वामी थाउ थाउ स्त्री परपुरुषर हाथ धरिकी जीव छोट छोट निरीह छुआगुड़ा कांदुवे सुंदर युवक देखिले नारी स्वामी छाड़ी घर जी बाहर शाशु शशुर को मानवे ना अन्याय कर धन अर्जी तेणु पापर पेड़ी पूर्ण हो तेणु ये पापर नवृत्त रुंतु देवस्व राजस्व परधन को लुंठन करूँ ना नापर पेड़ी बोझे हो आपण
ये संसार भितर विदाय नेला बेले अपचेष पड़े मुंडाई मरिबे। जय जगन्नाथ, जय पंचशखा।